तो अभी मैं हूँ सूरत में कि हम लोग मूव करेंगे दमन। यहाँ से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है लगभग, उधर जाके बीचेस वगैरह जो भी एरियाज एक्सप्लोर करेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू एज वेल। सूरत का रेलवे स्टेशन, हम लोग यहाँ से वापी के लिए ट्रेन लेने वाले हैं। वापी जो कि दमन के सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है, तो एक्सप्लोर करते हैं इसे। यहाँ पे हम तीनों लाइन में लगे हुए हैं, जिसका नंबर पहले आएगा वो टिकट लेने वाला है। और ये रहा मोरे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में और जा रहे हैं जनरल बॉक्स की तरफ। यहाँ पे जो टिकट है जनरली 193 लोगों का है। मेरे पास भी नहीं आई तो फिर किधर गई थी, बस इतना ही पूछा था और वो सिधर गई थी। जब वो मुझे छोड़ना चाहती थी रकीब के खातिर, रकीब का मतलब होता है दूसरा आशिक। जब वो मुझे छोड़ना चाहती थी रकीब के खातिर, यार मेरी आदतों से वो भर गई थी। और खुद ही आकर इजहार किया था उसने मुझे, फिर वो अपनी ही बातों से मुकर गई थी। और जलील करके मुझे भरी महफिल में वो हंसते हुए अपने घर गई थी। बेवफा मत कहना जीतू उसे, मासूम है जमाने से डर गई थी। बढ़िया, पीएम पहुंच गए दमन में। यहाँ पे एक रूम लिया हुआ है, हम इस पे रुकने वाले हैं। आज की दमन में पीएम मोदी की रैली है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो एंड एक्सप्लोर आउटसाइड। अभी ये नाइट का टाइम, और जो मेरे बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं, ये पोर्टुगीज टाइम का एक फोर्ट है। इस फोर्ट से वो लोग यहाँ पे अरेबियंस में नजर रखते थे। ये मॉर्निंग का टाइम, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कॉफी के लिए इनको मिलेगा, ट्रेन मिलेगा। अभी हम जिस जगह आ गए इसका नाम है जामपुर बीच। ये दमन में पड़ता है, दमन इज ऑल्सो नोन एज मिनी गोवा। दिन की धूप का टाइम है लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे बीच में हम थोड़ा ज्यादा एंट्री करते हैं, समंदर के पास आते हैं, यहाँ पे नीचे कीचड़ भी नजर आता है। तो अब हमने अपने जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए। जब हाई टाइड होता है समंदर का पानी बिल्कुल उस कॉर्नर तक आता है, लेकिन अभी लो टाइड का टाइम है तो पानी काफी डिस्टेंस पे है। ये लोग ऊंट से मूवमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि ऊंट रेत में इजीली ट्रेवल कर सकता है। और हम उधर समंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और जामपुर बीच को बिल्कुल अरेबियन सी को टच करके आने वाला है। अभी हम पहुंच गए एकदम अरेबियन सी और अभी लो टाइड का टाइम है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है। हम भी पानी के साथ साथ थोड़ा सा एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं और समंदर में थोड़ा अंदर मूव करने वाले हैं। वेलकम सी टू द अरेबियन सी। यहाँ पे लोकल्स बताते हैं कि हम लोग आधा किलोमीटर अंदर तक मूव कर सकते हैं पानी में। अभी संभल के चढ़े क्योंकि केकड़े भी इसके नीचे होते हैं और वो काट सकते हैं। वैसे तो मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैंने पानी काफी देखा हुआ है, नैनीताल लेक में स्विमिंग किया हुआ है काफी ज्यादा। ये बीच वाला एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, तो लाइक में हर टाइप का फील करना ये इम्पोर्टेंट है। यही चीज मैं यहाँ पे फील करवा रहा हूँ। इस बीच
में जनरली लोग फैमिलीज के साथ एंजॉय करने आते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, लोग अपनी फैमिलीज को, बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो काफी अच्छा सुहाना मौसम रहता है। ये बंदो अभी दिन के 11 बज रहे हैं, धूप सिर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ठंडा हो रहा है, हवाएं चल रही है प्रॉपरली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीचेस एंड व्हाट आई एम एंजॉयिंग फीलिंग राइट नाउ इज लाइफ। लाइफ में खुश रहना, इन छोटे छोटे मोमेंट्स को जहाँ भी मौका मिले उनको जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी भी दरखास्त यही रहेगी कि जिंदगी में जो भी मौके आपको मिलता है उनको जी भर के खुल के जी लिया जाए। यहाँ पे आके तो मुझे एक और बात रियलाइज होती है कि नेचर के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। जब भी हम नेचर के सामने जाते हैं ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये समंदर यहाँ से उधर अरब तक है, इतना विशाल का है, तो इंसान का तो एग्जिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ गमन करने वाली या प्राउड करने वाली ऐसे लाइफ में है नहीं, जब हम नेचर के सामने खुद को देखते हैं पाते हैं। This is what a happy life looks like. ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं है और डाउन्स नहीं है, लाइफ में अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, लेकिन कोशिश यही है कि लाइफ के जो भी ऐसे मौके मिलते हैं जिनमें खुशी पाने की और खुशी को फील करने की थोड़ी सी भी आशा है उसको पकड़ लिया जाए, और खुश रहने का एक जज्बा अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं मोमेंट्स को फील करते हुए मैं मूव करता हूँ इस बीच से और मजे करते हैं जी। अब टाइम है यहाँ से आगे बढ़ने का, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि मैं उधर खड़ा रहूँ और समंदर की लहरों को फील करता रहूँ। अब अगर बीच आए और चावल का पापड़ नहीं खाया तो क्या खाया। मेरे एग्जैक्ट पीछे है काचीगाम बॉर्डर, इसके उस तरफ गुजरात पड़ता है, इसके इस तरफ दमन पड़ता है। तो जब भी हम गुजरात से दमन की तरफ मूव करेंगे ये बॉर्डर का पोस्ट हमको पार करके आना होगा।